वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। सो आज इतने दिनों बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ और आज का व्लॉग का टॉपिक है पतंग पर। तो पतंग के व्लॉग आपने जो मैंने पिछला व्लॉग डाला था पतंग का, तो बैट से जो पहले डाला था, वो जो बैट मैंने DSC का लिया था उससे पहले जो डाला था आपने, उसको इतने व्यूज़ उस पर आए, इतने व्यूज़ आए तो आपने उस पर बहुत प्यार दिया, लाइक भी आपने बहुत सारे दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो इससे तो आपको, मुझे लग रहा है कि आप लोग को कि पतंग की वीडियो ज़्यादा पसंद आती है, तो अब मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादातर पतंग की वीडियोज़ ही बनाऊँ। तो अभी पतंग की वीडियो आज फिर से अब आपके लिए पतंग की वीडियो लेके हाज़िर होने वाले हैं, आ गए हैं आपके लिए। तो अभी हम जाएंगे अपनी हवाई, जो उस दिन अपनी नानी के घर गए थे वहाँ पे छत जाएंगे, वहाँ पे आज नहीं जाएंगे हम, एक और अच्छी वाली छत है हमारे पास, आज बड़े बड़े गुड्डे और अलग अलग टाइप की पतंगे हैं। एक तो बहुत ही अलग है, वो आपको हम दिखाएंगे, उसका नाम है तोकल, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे और वो वाली उड़ाएंगे तो आपको वो भी उड़ा के दिखाएंगे, तो किस तरह उड़ती है देखेंगे, उड़ेगी नहीं उड़ेगी। वो सर्दी का एक नया पैकेट लाएँ तो फटाफट से पतंगे दिखाते हैं आपको। तो अब आप देखें कि पतंगे आ चुकी हैं आपके सामने, और ये देखें अभी हम आपको सारी एक एक करके दिखाएंगे। ये देखें, पहले हम आपको सब छोटी छोटी दिखा देते हैं। ये देखें, इतनी सारी छोटी हमारे पास पतंगे पड़ी हुई हैं। ये देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 छोटी पतंगे हमारे पास, और इसमें वो भी शामिल हैं। आपको मैं पिछली बार, ये तो बहुत छोटी हैं, तो बहुत बहुत छोटी पतंगे ये हम उस बार आपको नहीं दिखा सके थे, तो इस बार हम आपको इंशाल्लाह ये उड़ा के दिखाएंगे। ये देखें, आपको मैं दिखा दूँ, हवा बहुत तेज़ चल रही है यहाँ पर भी। ये देखें, ये देखें, आज आपके मामा ये भी है और दो इस तरीके की, तो ये भी हम आज आपको उड़ा के दिखाएंगे। देखें, इसको ये सारी उड़ रही हैं, बहुत ख़तरनाक हवा चल रही है, तो फौरन उड़ जाएगी मुझे लग रहा है कि पतंग वहाँ से। तो ये देखें, ये भी इसको रखते हैं इधर, और ये देखें, ये भी है, ये भी इस तरीके की पतंग है। ये देखें, ये भी अच्छी है, छोटी छोटी पतंग है, ये हमने यहाँ पर उड़ाई थी इसको। ये देखें, इनकी बैंडेज हुई भी है, आप देख सकते हैं, तो इसको भी इधर रख देते हैं। तो और ये देखें आप ज़रा, ये आई अब बड़े बड़े गुड्डे। अभी तो मेन चीज़ आपके सामने आएगी ना, तो वो आप देखिएगा। आप देखें, ये हमारे पास कितनी बड़े गुड्डे हमारे पास हैं, 4, मतलब नॉर्मल साइज़ के, इतने भी बड़े नहीं हैं। और ये मुझे जो ये सबसे बड़ा गुड्डा है, मतलब गुड्डा, ये देखें, बर्ड वाला गुड्डा, ये इतना मुझे प्यारा लगा था ना, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। ये देखें, ये वाला, ये देखें कैसा है, ये ब्लू एंड येलो एंड इसकी ब्लैक आइज़ हैं। और ये हो गया, और ये देखें, ये भी कितना अच्छा है, लेकिन ये इससे छोटा है, लेकिन देखें ये वाला रेड ब्लैक और येलो, ये भी बहुत अच्छा लगा था मुझे। ये देखें आपके सामने, ये रहा। और ये देखें, एक और इस तरीके का ही है हमारे पास, दो ऐसी हैं हमारे पास, और ये हमारे पास दो हैं, और ये काला और स्टार पतंग है हमारे पास। ये देखें ज़रा, ये हमारे पास ब्लैक एंड वाइट पतंग है, और ये देखें आप, ब्लैक इसके स्टार बना हुआ है वाइट से, और इसकी टेल है वो भी वाइट से बनी हुई है, और ये ब्लैक कलर का हमारे पास पतंग आ चुकी है। तो ये हम दिखा दिए, अब आपको हम दिखाते हैं मेन चीज़ जो हम आज के लिए स्पेशल वीडियो में, वो चीज़ है ये देखें, ये री तोकल जिसकी मैं बात कर रहा था आपके सामने, ये देख रहे हैं आप, इसके हम कन्ने उन्ने भी बांध के आपको दिखाएंगे। देखें इस तरीके की ये तोकल है, मुझे लग रहा है कि उड़ जाएगी, मैंने इसकी बहुत वीडियोस यूट्यूब पे देखी हैं, आपने भी देखी होंगी। तो आज आप मेरे चैनल पे इस पतंग को उड़ते हुए इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे, और इसको कन्ने बांध के भी दिखाएंगे। तो इस थ्रेड का क्या फ़ायदा होता है कि ना, ये अगर ये ऊपर से, थोड़ी उसने, हमने उससे पूछा था कि अगर ये ऊपर से उड़ते हुए ना मेरे ख्याल से फट जाती है, तो इस थ्रेड को ना हम इस तरीके से घुमा के बांध देते हैं। तो आप भी, मैं आपको करके नहीं दिखा सकता हूँ कि मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है, तो एक हाथ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए जो इंशाल्लाह वो भी आपको करके दिखाएंगे हम। और ये देखें इसका डिज़ाइन, आप देखें कितना अच्छा, ऊपर से पूरी इसकी टेल, इतने ऊपर से इसकी नोकीली वो निकली हुई है जैसे इन काइट की होती है नॉर्मल, ये देखें इस तरीके की, और इस काइट की है यूँ ऊपर। तो और ये देखें इस तरीके का इसका डिज़ाइन बना हुआ है, ये देखें पान का शेप बना हुआ है, देखें कितना अच्छी पतंग है, मुझे तो अच्छी लगी। तो कल तो इंशाल्लाह इसको भी उड़ाएंगे, और उसके भी कन्ने वन्ने बांधते हैं, अभी सब पतंगों के कन्ने बांधते हैं, तो कन्ने बांधते हैं फिर आपसे मिलते हैं। अभी आप देखें हम इसके कन्ने बांध रहे हैं, और अभी इसके कन्ने बांधते हैं, देखें इस तरीके से होल होंगे इस पर, एक नीचे, जैसे आम तौर पे जो काइट होती है, जैसे नॉर्मल काइट होती है उस तरह ही इसके भी छेद ऊपर नीचे होंगे, और होल यहाँ पे नीचे उसी तरह होंगे। ये देखें होगा इसके होल यहाँ, और यहाँ पे एक है। आप देखें कि हम इसका आप थ्रेड इसमें डाल लें, हमने होल कर दिया था, अब थ्रेड डालना है। मैं देखें, ये देखें, थ्रेड डाल लें, तो इसके कन्ने बांधते हैं फिर आपसे। तो आप देखें कि इसके कन्ने बन चुके हैं, और ये देखें इस तरीके के कुछ हमने कन्ने बांधे हैं, देख लें आप। ये देखें, तो आप देखें कि हम सद्दी बांध रहे हैं, ये देखें
ये इस तरीके की सद्दी है नई, जो फिश की हम सद्दी लाए थे ये देखें बांध रही है फुल, जल्दी जल्दी बांध रही। आधी मैं अपने से आधी आधी से ज़्यादा ही अपने डब्बे में बांधेगा क्योंकि अभी तो खाली, इसका डब्बा तो बिल्कुल खाली था और मेरा डब्बा तो फिर भी थोड़ा भरा हुआ है, मैं अपनी थोड़ी बांधूंगा, ये तो आधा पूरा। देखें कि हम अपनी छत पे वाली जो हम जहाँ पे उड़ानी थी उस छत पे हम पहुँच चुके हैं और यहाँ से फौरन पतंग उड़ जाती है। हवा आज कल इतनी तेज़ नहीं है यहाँ पे, वरना तो बहुत तेज़ होती है, लेकिन आज फिर भी इतनी हवा है कि हम देखते हैं अभी इस साइड की हवा है और इस साइड की हवा है, एक पतंग भी आगे उड़ी हुई आपको मैं दिखाता हूँ। वो देखें ज़रा, वो आपको नज़र आ रही होगी, वो एक पतंग उड़ी, यहाँ पे उड़ती नहीं है वैसे लेकिन उड़ी हुई है देखें, और हवा मेरे ख्याल में यूँ है लेकिन वो दूर है, उससे हम पेंच लगा नहीं सकते। एक पतंग उड़ी हुई है बस, और तो कोई नहीं दिख रही यहाँ पे, सिर्फ एक ही, हाँ एक उड़ी हुई है। तो अब वो तो हमसे दूर है, हमसे हम मांझा भी अपना लाए, आपको हमने दिखाया था। तो अभी हम सब फटाफट से सब पतंग के कन्ने बांधे फिर आपसे मिलते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हमने एक पतंग उड़ा ली है, ये देखें ये उड़ रही है, हमने एक ब्लैक एंड वाइट उड़ाने की कोशिश की लेकिन वो पता नहीं क्यों नहीं उड़ रही थी, लेकिन ये फ़ौरन उड़ चुकी है और हवा है पता चल गया सीधी है, और इसको मैंने बनाया भी गोल गोल वाला है तो गोल गोल घूम रही है, और वो जो पहले उड़ा रहा था पीछे वो उसने भी उड़ाना बंद कर दिए। और ये देखें अभी हम इसकी हील छोड़ते हैं, अभी हमने मांझा नहीं लगाया, अपना मांझे लाए थे तो अभी हमने वो उसने भी उतार ली, तो हमने मांझा भी लगाया हुआ नहीं है, तो इसलिए अभी सिर्फ एक पतंग उड़ाते हैं, देखते हैं इसकी हील छोड़ते हैं कैसी पतंग। अभी हम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग ने एक पतंग मैंने उड़ाने की कोशिश की थी तो वहाँ पर जाके वो फंस गई, अब तो नीचे हो गई है बिल्कुल भी, अब दिख भी नहीं रही। तो अब ये वाली हम छोटी पतंग उड़ा रहे हैं, और ये वाली जो उड़ी हुई थी हमने इसकी रील थोड़ी छोड़ के इसको हमने वापस उतार लिया, अब इसको उड़ा रहे हैं, मेरा भाई उड़ाएगा। तो आप देखें मैं रील पकड़ लेता हूँ, ये उड़ा रहे हैं देख सकते हैं, ये देखें फुल दूर जा चुकी है, अभी तो उड़ा रहा है अभी तो फिलहाल, ये देखें हवा एकदम से स्लो होती है फिर तेज़ होती है। अब आप देखें कि अभी तो खैर स्लो हुई है, देखते हैं उड़ा पाता है नहीं उड़ा पाता। ये आपके सामने ये रही इसकी रील, और थोड़ी सी फट चुकी है ये देखें। तो अभी इसको हम लोग उड़ाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं ये छोटी वाली पतंग उड़ चुकी है, ये रही देखें क्या कितनी प्यारी लग रही है उड़ते हुए, ये देखें ये उड़ रही है बिल्कुल सही से उड़ा दी है, ये देखें अभी इसकी हम इसकी तो रील छोड़ेंगे, वो भी उनके कन्ने भी नहीं खा रही है, हमने देख लिया अभी, देखें इतनी रील अभी बची है देख सकते हैं। हमने आज के दिन में बहुत पतंगबाजी कर ली और मगरिब भी हो चुकी है, तो अब इंशाल्लाह हम कल आपको फिर से पतंगबाजी करके दिखाएंगे, अभी तो आपको बहुत कम, अभी तो तोकल उड़ा के भी दिखानी है। आज हमने उड़ाई थी तोकल लेकिन वो पता नहीं हवा कम होने की वजह से किस वजह से फिर उसके या तो कन्ने गलत हैं, कल मैं उसके फिर कन्ने वन्ने सही करके आएंगे फिर इंशाल्लाह उसको भी उड़ाएंगे। एक पतंग मुझे अफसोस हो रहा है, मैं उड़ा रहा था वहाँ पर जाके फंस गई है, तो इंशाल्लाह देखते हैं अगर वो उतर जाती है, वो खुद वैसे हवा से शायद उतर जाए लेकिन अगर नहीं उतरेगी तो फिर क्या कर सकते हैं, मैं छोड़ देंगे उस पतंग को। बाकी तो अभी बहुत वो आँखों वाली बची हुई और बहुत सारी बची हुई हैं, तो अभी हम फिलहाल वही वाली उड़ा रहे थे जो आपको मैंने टिक करके दिखाई थी, गोल गोल वाली थी बस वही हमने दिखाई थी। तो अभी हम कल आपको फिर से पतंगबाजी करके दिखाएंगे, अब शायद हम कल इधर हों या आपने कल वो जो दूसरी वाली आपको छत देखी थी उधर हों, उधर भी करके दिखाएंगे इधर भी करके दिखाएंगे, तो आप तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। आज है अगला दिन और आज हम फिर से पतंगबाजी करने अपनी छत पर आ चुके हैं, और अभी मैंने देखा था कि एक पतंग यहाँ पे उड़ रही थी वही जैसे कल आपको मैंने दिखाई थी, लेकिन हमने फिर अपना जैसे ही मांझा बांधा कि उससे पेंच लगाए हम लोग, तो लेकिन वो फ़ौरन उसने उतार ली, पता नहीं क्यों उसको या तो उसने जल्दी उतार ली। तो अब हम अपनी पतंग तो उड़ाएंगे, तो लेकिन मैंने देखें आपको मांझा बांधा था, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें पूरी एक मैंने पतंग तैयार करके रखी थी टिक वाली, और ये देखें मांझा पूरा मैंने बांधा हुआ है, ये चेपी बड़ी है। और इस पतंग का जो मैंने आपको दिखाया था कि ये पतंग ऊपर फंस गई थी, लेकिन सुबह जब मैंने आपको जैसा कि बताया था कि निकल जाएगी तो ये निकल गई थी, लेकिन इसका मसला ये हो गया, और निकली ना जब एक तो इसकी दुम देखें कट गई थी थोड़ी, और यहाँ से इसका तिनका टूट गया था, मैंने चेपी से लगाया, तो अब देखेंगे इसको उड़ा के उड़ती है नहीं उड़ती। एक पतंग और भी है, इसकी दो पतंग हमारी जो थी वो भी हमने उड़ाई थी थोड़ी देर पहले, वो भी दो जो इस तरह की थी वो ज़ाया हो चुकी हैं, और ये भी एक बची है इस तरह की भी, आपको अभी आज उड़ा के दिखाऊँगा मैं, और ये एक ये छोटी छोटी भी बची हुई है दो, और ये तो कल इसकी मैं आपको बात बताता हूँ, अरे ये उड़ने का नाम ही नहीं ले रही, इतनी हमने कोशिश की है इतनी कोशिश की है, देखें हर जगह से फट गई है, देखें ये देखें हर जगह से फट गई है, तो ये उड़ नहीं रही है। अब इसको फिर से ट्राई करेंगे उड़ा के, लेकिन उड़ नहीं रही है, तो फिर से अभी सबसे पहले हम उड़ाते हैं, बताऊँ कौन सी सबसे पहले हम उड़ाएंगे, कौन सी वो काली वाली पतंग हमें उड़ा रहा था अभी, तो ये देखें कितना प्यारा व्यू लग रहा है, वो देखें सनसेट हो रहा है, वो चेक करें वो रहा सन, वो देखें कितना प्यारा व्यू लग रहा है, तो सनसेट भी हो रहा है बहुत अच्छा व्यू है। तो सबसे पहले मैं आपको उड़ा के दिखाता हूँ ये वाली पतंग, ये आपकी ये जो है ना चुड़िया वाली, ये आपको उड़ा के दिखाते, ये उड़ाते हैं फिर आपसे मिलते हैं।
तो अभी आप देखेंगे इसका कन्ना खुल चुका है, हमने उड़ाने की कोशिश की थी, इसका कन्ना खुल चुका है। तो अब हम पहले बताऊँ कौन सी आपको उड़ा के दिखाते हैं, ये वाली उड़ा के दिखाते हैं आपको, सही है। तो इसको हम लोग इसके वो बांधते हैं, इसके कन्ने बंधे, मैंने सारी बताऊँगे कन्ने बांध लिए थे, और ये वाले इसके ना हम आपको उड़ा के दिखाते हैं, ये वाला। अभी इसका खोलते हैं मैं, इसके जब तक कन्ने बांधूंगा जब तक मेरा भाई इसको उड़ा लेगा, वो वाली है। अभी इसको उड़ाते हैं फिर आप। तो आप देखें फाइनली ये छोटी वाली पतंग हमने उड़ा ली है, देख सकते हैं आप, ये री, ये देखें आप, ये मेरे भाई ने उड़ा ली है। तो अब हम जल्दी से इसको उतार के आपको सारी पतंगें दिखाएंगे आज उड़ा के। तो अभी दूसरी पतंग उड़ाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो अब आप देखें हमने वो बड़ा वाला जो आँखों वाला था जहाँ पे फंस गया था वो भी हमने उड़ा लिया, ये देखें आप ज़रा कैसा अच्छा गुड्डा है ये, इसको बल्कि इसकी लकड़ी भी साइड से टूट गई है फिर भी, लेकिन ये देखें बिल्कुल सही उड़ रहा है। लेकिन हमें तो आपको सिर्फ दिखाना है, तो अभी इतनी हम रील नहीं छोड़ेंगे, जब छोड़नी होगी हम अपने जब हमें उड़ानी होगी, जब हमें खुद ही तो हम उड़ाएंगे भी। तो अभी तो देखें बिल्कुल सही उड़ रहा है ये आपके सामने। तो अब हम देखते हैं कौन सा उड़ाते हैं, ये देखें अभी आपको मैं दिखाता हूँ हम कौन सा उड़ाएंगे। ये देखें अब मैं सोच रहा हूँ ये पांच वाली पतंग उड़ा के दिखाऊँ आपको, ये तो 5 रुपये की है, इतनी छोटी सी। और ये आपको मैं एक दफ़ा सबके रेट बता देता हूँ कि कौन कौन कितने कितने रुपए की है। ये है 250 की, ये 10 की है, ये 20 की है, वो भी 20 की है, और ये भी ये छोटी वाली ये भी 20 की है। तो अब हम जल्दी से ये वाली आपको उड़ा के दिखाते हैं 5 रुपीज़ वाली। तो मैं आपको बताऊं कि ये छोटी वाली जो दो पतंगे हैं ये सिर्फ ऐसे ही होती हैं, ये सिर्फ बच्चों को शो करने वाली होती हैं, ये उड़ती कोई नहीं है। ये अभी हमने उड़ा के देखी, इतनी तेज़ हवा चल रही है लेकिन ये नहीं उड़ी है, देखें ये वाली फट भी गई है, दोनों मैंने उड़ा के देखी नहीं उड़ रही है। तो इसको हम छोड़ देते हैं, अब आपको हम ये वाली ब्लैक वाली उड़ा के दिखाएंगे, ये वाली, ये देखें इसकी बैंडेज हुई है लेकिन इसको भी आपको उड़ा के दिखाते हैं, मगरब भी होने वाली है इसको आपको उड़ा के। तो आप फाइनली देखिए ब्लैक वाली भी मैंने उड़ा दी है, ये देखें ये हमने यहाँ से उड़ा रहे हैं, तो ये देख सकते हैं आप ये ब्लैक वाली भी उड़ गई है, ये देख रहे हैं, देखें ये भी थोड़े मसले कर रही है। तो आज हमने आपको सारी पतंगें उड़ा के दिखा दी हैं, उम्मीद करता हूँ आपको इस ब्लॉग में मज़ा आया होगा। तो कुछ कुछ पतंगें उड़ी लेकिन नहीं उड़ी, कुछ कुछ नहीं उड़ी, एक हमारी पतंग उधर भी जाके फंसी थी, और देखें अभी हमारे पास इतनी सारी पतंगें बची हुई, और ये वाली तो उड़ी नहीं, और ये तो कल भी नहीं उड़ी, बाकी उड़ी हमारी कुछ कुछ यहाँ पे वहाँ पेड़ भी जाके फंसी थी। और अब तो मगरिब भी हो चुकी है, अब हम भी नीचे जाएंगे, हम भी बहुत थक चुके हैं। तो आप में तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल मोहम्मद शाह ब्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, जैसे ही मैं क्योंकि जो वीडियो डालूं आप तक पहुंच सके। तो हम मिलते हैं इसके अगले ब्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।